बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, दैट वाज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वाज ड्यू टू मोशन, और उसके हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, मैथमेटिकल फॉर्म प्रूव की थी, जो कि थी हाफ एम वी स्क्वेयर। From that relationship, we come to know that kinetic energy depends upon mass and velocity. Today, our topic is potential energy. Potential, देखिए potential कहते हैं ताकत को, कुछ करने की अहलियत को, कुछ करने की सलाहियत को। तो potential energy क्या है? Potential energy is possessed by a body due to its position. कि किसी position की वजह से, किसी height की वजह से जो body के अंदर position है, अगर वो body कुछ करने की सलाहियत रखती है अपनी हाइट की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से, दैट इज़ नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ट्री पे अगर वो एप्पल लगा हुआ है, तो एप्पल हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसकी उसमें नीचे गिरने की, वर्क डन करने की सलाहियत मौजूद है। इसी तरह स्ट्रेच बो है आपके पास, वो एक उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जैसे ही आप उसको रिलीज़ करते हो तो वो एरो जो है उसमें से, तीर जो है वो बाहर आ जाता है। इसी तरह स्टोर्ड वाटर हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास किसी भी बॉडी के पास अगर हाइट या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है, दैट इज़ नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और हम अगर बात करते हैं ज़मीन से, इफ़ अ बॉडी हैज़ अ हाइट, अगर वो ज़मीन से, ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे है, तो उस बॉडी की जो आपके पास एनर्जी होगी, उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के मैथमेटिकल फॉर्म में आपको अभी जो है वो प्रूव करवाती हूँ। तो हम देखेंगे द रिलेशनशिप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ एम जी एच। एम यहाँ पे क्या है? बॉडी का मास है, जो कि कांस्टेंट होता है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और एच क्या है? हाइट है। इट मींस दैट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। नंबर वन मास, नंबर टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, नंबर थ्री हाइट। जितनी कोई बॉडी ज़मीन से हाइट पे होगी, उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा आपके पास ग्रेविटी होगी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। और यूनिट क्या है? कोई भी एनर्जी हो, उसका यूनिट जूल है। तो सो लाइक काइनेटिक एनर्जी, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। और आगे आपके पास ये दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये भी मैं अभी आपको प्रूव करवाती हूँ। आप देखेंगे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, एम जी एच, और काइनेटिक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये आप लोग जो है वो अभी मैं आपको प्रूव करवाती हूँ। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की दो एग्जांपल्स हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, वी विल प्रूव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सपोज एनी ऑब्जेक्ट दैट इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, जो उसकी हाइट है दैट इज एच, और जो उसका मास है दैट इज स्मॉल एम। तो हम जब मैथमेटिकल फॉर्म प्रूव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो हमें पता है जब बॉडी को हमने रेज अप किया है, तो उसने क्या एक्वायर की है, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन, वो वर्क डन जो हमने इसको रेज करने में किया है। फॉर एग्जांपल आप समझे, ये एक हैमर है जिसको हमने रेज किया है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। फार्मूला हमने वर्क का पढ़ा था, W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय S। अब यहाँ पे S हाइट है, तो यू कैन राइट W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय H। H यहाँ पे हाइट है। सो हम आपके पास पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख सकते हैं इक्वल टू वर्क डन, तो F मल्टीप्लाई बाय H। अब आप देखिए बच्चों, इस हैमर का, इस बॉडी का जो वेट है, हम हमेशा पढ़ते हैं F इज़ इक्वल टू W, और जो वेट का फॉर्मूला होता है दैट इज़ इक्वल टू एम
जी हम ये आपके पास एफ की वैल्यू इसके आप इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। एफ की जगह आप क्या पुट करेंगे, एम जी और एच आपके पास एज इट इज़, तो आपके पास वो क्या प्रूव हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल्स टू mgh। हेयर यू कैन सी दैट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मैस, ग्रेविटी, हाइट। जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, मींस के हाइट पे आप जब जब उसकी हाइट जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हम ये देखते हैं कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड कर रही होती है दैट इज़ बेसिकली ऑन हाइट। एग्जाम्पल 6.3, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज रेज अप टू द हाइट ऑफ 3 meter, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, जी आपको गिवन है। मास 50 kg है, हाइट 3 meter है, जी आपके पास 10 m/s² है और पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप देखें एग्जाम्पल 6.3, आपके पास मास की वैल्यू कितनी है 50 kg, हाइट आपको गिवन है जो जितना आपने रेज अप किया है वो 3 meter है, जी की वैल्यू है आपके पास 10 m/s². यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh बाय पुटिंग द वैल्यूज 50 × 10 × 3। आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 1500 joule। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। ओके नेक्स्ट एग्जांपल 6.4, अ फोर्स ऑफ 200 N एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg के 200 N की फोर्स आपके पास लग रही है उस बॉडी पे जिसका मास क्या है 20 kg है। द फोर्स एक्सेलरेट द बॉडी, वो जो फोर्स लग रही है वो बॉडी को एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट अंटिल टू इट्स गेन वेलोसिटी ऑफ 50 m/s। थ्रू व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्ट्स, कि वो आपसे ये है कि आप ये बताएं कि कितना डिस्टेंस जो है वो बॉडी ने कवर किया जब उसके ऊपर 200 N की फोर्स लग रही है। एफ आपके पास 200 है, मास 20 kg है, वेलोसिटी आपके पास 50 m/s है, यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस। आपके पास फार्मूला क्या है, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इट, कि जितना वर्क डन आप कर रहे हैं उतनी बॉडी क्या गेन कर रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास जो फार्मूला होगा आपके पास 6.4 एग्जाम्पल में दैट इज Fs इज इक्वल टू ½ mv² आपके पास फोर्स की वैल्यू है 200, तो आपने एस फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू है आपके पास 20 और वी की वैल्यू है आपके पास 50। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद 200 को दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो देन आंसर विल बी 125 m। तो मीटर हमने साथ क्यों लगाया, बिकॉज इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो आप ये देखें आपके पास जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी जब आप 200 N की फोर्स लगाएंगे दैट इज इक्वल टू 125 m। थैंक यू।